सुप्रभात। तो अतिथि आज के कार्यक्रम के हमारे बीच उपस्थित हो सक चुके हैं और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि आप शांति बनाए रखिए और कार्यक्रम का आनंद लीजिए। हिंदी राष्ट्र की भाषा, हिंदी जन जन की भाषा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम एकत्रित हुए हैं हिंदी पखवाड़ा के समापन अवसर पर, जो कि आज हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और विश्व साक्षरता दिवस का समापन। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको आज हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे प्रधानाचार्य महोदय का, जिनके समय समय पर मार्गदर्शन के कारण ही हम इस प्रकार के कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद सर। अतिथि देवो भव, हमारे भारत की परंपरा, हमारी संस्कृति, जिस पर हमें गर्व है और हम सदियों से इसे मनाते चले आ रहे हैं, मानते चले आ रहे हैं कि अतिथि देवता के समान होता है, और देवता अगर हमारे बीच हो तो क्यों ना हम उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। तो अतिथि के सत्कार के लिए मैं सारिका मैम को आमंत्रित करती हूँ, वे अतिथि के स्वागत के लिए प्रस्तुत हों, और प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे छोटा सा उपहार स्वागत के रूप में प्रदान करें। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम के आरंभ की ओर चलते हैं। फिर से मैं एक भारतीय परंपरा की याद दिलाना चाहूंगी, बिना दीप प्रज्वलन के किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत आरंभ करना ठीक नहीं माना जाएगा। दीप जलाना भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे आसपास से दूर करने में सहायक होती है। तो मैं प्रधानाचार्य महोदय और अतिथि से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का आरंभ करें। धन्यवाद। तो दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का आरंभ होता है। जब हम साक्षरता की बात करते हैं तो उसके साथ भाषा जुड़ी होती है, और जब भाषा की बात करते हैं तो भारत जुड़ा होता है, और फिर जब भारत की बात करते हैं तो हिंदी भाषा जुड़ी होती है। हिंदी हमारा गौरव है, हमारी पहचान है, सालों से हमें गर्व है। ये दुख की बात कहें या खेत का विषय कहें कि आज तक हम इसे राष्ट्रभाषा का वो दर्जा नहीं दिला पाए हैं जो हम एक भारतीय होते के नाते दिलाना चाहिए था। फिर भी हिंदी पखवाड़ा के दौरान, हिंदी दिवस के दौरान, हम उस गर्व को फिर से पुनर्जीवित करते हैं जो हम सालों से अपने अंदर महसूस करते आए हैं। जब दिवस के महत्व की बात की जाती है तो हम अच्छे से जानते हैं कि हिंदी भाषा हमारे रग रग में बसती है और लहू बन के दौड़ती है। सबसे वैज्ञानिक भाषा कही जाती है, जैसा बोला जाता है वैसा सुना जाता है, जैसा सुना जाता है वैसा लिखा जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का गलत फहमी होना या किसी प्रकार के दोष की संभावना ही नहीं रह जाती है। हिंदी दिवस की जब बात करते हैं तो हिंदी दिवस सभी जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है, और यहाँ पर जितने सारे विद्यार्थी बैठे हैं सभी लोग हिंदी के महत्व से, हिंदी के इतिहास से भली भांति परिचित है।
कहीं ना कहीं हम अपनी मातृभाषा के बाद राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा के बाद मातृभाषा का महत्व समझते हैं। दूसरी भाषाएं सफलता का साधन है, सफलता की सीढ़ी है, हम इससे मना नहीं करते हैं। पर एक साधारण सा उदाहरण है कि अपने घर में माता पिता को हम सभी प्यार करते हैं और अपने मित्रों को भी हम बहुत प्यार करते हैं, पर कभी हम ये नहीं करते कि मैं अपने मित्र से बहुत प्यार करती हूँ तो मित्र को लाकर घर में रखूंगी और अपने माता पिता को घर से निकाल दूंगी। तो वही हम हिंदी के साथ कर रहे हैं। हिंदी हमारी है और हम दूसरी भाषाओं के प्रभाव के कारण हिंदी से थोड़े दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये दिवस है अंदर प्रेरणा आदान प्रदान करने का कि मैं दूसरी भाषाओं को जितना महत्व देती हूँ या देता हूँ, उतना ही मैं हिंदी को भी दूंगा और उतना ही उसको शुद्ध रूप में प्रयोग करने की कोशिश करूंगी और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगी। तो ये तो हो गई दिवस की उपादेयता, दिवस का महत्व जिससे हम भली भांति परिचित हैं। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम को, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है। कोई भी समारोह हो, कोई भी कार्यक्रम हो और किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप ना किए जाए तो कार्यक्रम अधूरा होता है। तो मैं अब अपने अगली कड़ी को आमंत्रित करती हूँ, जो एक भूमिका निर्वाह है, जो रुद्रदास 10वीं कक्षा से और आदर्श सिंह 10वीं कक्षा से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पुस्तक जीवन का आधार हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें जीने की कला सिखाती है, पर पुस्तक भी हमसे कुछ कहना चाहती है। आइए जानें उसके मन की बात। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप तो मुझे जानते ही हो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी तो मुझे जानते ही हो। तो बोलिए कौन हूँ मैं? अच्छा, तो मेरा नाम पुस्तक है। तो मुझे अंग्रेज में क्या बोला जाता है? अच्छा, मेरा अंग्रेज में बुक बोला जाता है। तो क्या आप सभी लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं? धन्यवाद रुद्र और आदर्श। निश्चय ही आपकी कई बातों पर हमारे बच्चे अमल करेंगे। पुस्तकों का महत्व हम सभी समझते हैं और आपको बार बार पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा जाता है। पुस्तकें हमसे हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं और जीवन के प्रत्येक पथ पर आपका साथ निभाएंगी। फिर से एक बार धन्यवाद। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करूंगी संगीता पाल मंशिका बेहरा, कक्षा 10वीं से, जो एक छोटी सी चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित होना चाहती हैं और हिंदी भाषा के महत्व पर चर्चा करेंगी। हाय मंशिका, हाउ आर यू? मैं तो एकदम फाइन संगीता। अरे नहीं नहीं, आई एम फाइन। क्यों ऐसा इंप्रेशन बनता है? अच्छा ऐसा? अब देखो, नहीं बनना तो नहीं बनता। आई डोंट एक्सप्लेन दिस मच। ऐसा है तो हिंदी बोलने से जो बल पड़ता है वो भी तो सही है ना? हाँ, तो मैंने थोड़ी ना मना किया, मुझे भी हिंदी बनना है। ऐसा है, फिर ये बस हिंदी में बोल के दिखाओ। बोलो, मुझे हिंदी पर प्राउड है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो मैं भी बोलूं। माय नाम इज मंशिका। नहीं, क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ। जैसे तुम
धन्यवाद संगीता और मंशिका। निश्चय ही आपकी चर्चा ने हम पर बहुत असर डाला है और हम इसका प्रयोग करेंगे और इस आपकी जो हिदायत दी गई है उसे मानेंगे भी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर दो कार्यक्रमों को एक साथ मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, हिंदी दिवस उसके साथ ही विश्व साक्षरता दिवस। तो अब विश्व साक्षरता दिवस के दौरान कई प्रकार के क्रियाकलाप गतिविधियों का आयोजन किया गया, तो उसकी एक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं निकिता महाराणा को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। A warm and pleasant morning to everyone. Respected Principal Sir, respected our Chief Guest Ma'am, esteemed teachers and my beloved students. I welcome you all to the closing ceremony of World Literacy Week. World Literacy Week is celebrated from September 8 to September 14 every year to highlight the importance of literacy to individuals, communities and societies. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, declared the date on October 26, 1966 at the 14th session of UNESCO's General Conference. It was first celebrated in 1967. It reminds the public about the importance of literacy as a matter of dignity and human rights. According to UNESCO, literacy challenges persist with 771 million illiterate people around the world, out of which most women lack basic reading and writing skills. It states that in the aftermath of the pandemic, nearly 24 million learners might never return to formal education, out of which 11 million are projected to be girls and women. It further added that to ensure no one is left behind, we need to enrich and transform the existing learning spaces through an integrated approach and enable literacy learning in the perspective of lifelong learning. UNESCO declared this year's theme for the World Literacy Week as Transforming Literacy Learning Spaces. It added that this will be an opportunity to rethink the fundamental importance of literacy spaces to build resilience and ensure equality, equitable and inclusive education for all. So how can literacy improve lives? Lacking basic reading and writing skills is a tremendous disadvantage to literacy. Literacy not only enriches an individual's life, but it creates opportunities for people to develop skills that will help them flourish their present and their coming days. Improving literacy facilitates employment, whereby both men and women contribute, helping the wider economy and community to thrive. Illiteracy directly affects an individual's health and well-being. So the importance of education on physical health is vital. Girls and women who are able to educate themselves on health issues can help reduce the cycle of poverty and mortality rates in the long run. Breaking the cycle of illiteracy and improving self-esteem is crucial for women and girls in the developing world. The importance of education in fostering personal autonomy and creative critical thinking skills is central to helping girls and contribute to their societies.
The impact of improving literacy not only has a positive and economic impact at a local and community level, but the productivity of the workplace flourishes at country level too by enhancing a country's economic strength. Supporting to this noble cause and to highlight and spread the importance of literacy, Devi Public School Baleshwar has organized some of the very good competitions for World Literacy Week. The students have participated with utmost enthusiasm and true spirit. These are some of the competitions that was being held in the school premises. For class 3 and 5, storytelling competition was held on 10th September 2022. From class 3, 6 students were selected, and from class 4, 9 students were selected for the final round. For class 5 and 6, news reading competition was held on 9th September 2022. 18 students had been selected from both the classes, out of which 9 students were selected from class 5A, 5B, and 5C. Similarly, 9 students were selected from class 6A, 6B, and 6C for the final round. Book jacket cover design competition for classes 6, 7, and 8 was held on 10th September 2022. 75 students had participated in it and had showed wonderful skills. For classes 8, 9, and 10, book talk competition was held on 10th September 2022, in which 5 students had participated. 7 students from classes 9, 10, 11, and 12 had participated in speech competition whose topic was illiteracy versus literacy or performance poetry on caring the old and the elderly. It was held on 12th September and 13th September 2022. Thank you. धन्यवाद। जिस प्रकार साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत कई सारी गतिविधियों का आयोजन किया गया, उसी प्रकार हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत कई सारी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें यूकेजी एलकेजी के लिए स्वपरिचय, कक्षा प्रथम और दूसरी के लिए सुलेख प्रतियोगिता, तीसरी और चौथी कक्षा के लिए स्लोगन लेखन प्रतियोगिता अर्थात नारा लेखन, और पांचवी छठी के लिए मुहावरे प्रतियोगिता, और सातवीं आठवीं कक्षा के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और मैडम, हमारे छात्रों और छात्राओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और पुरस्कार प्राप्त किए। तो अब जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, उसी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। हमने इस सप्ताह से जितनी सारी गतिविधियों का आयोजन किया, उसके पुरस्कार प्राप्त करने का और आपको आपके परिश्रम का फल प्राप्त करने का अवसर आ चुका है। तो मैं हमारी जो आज की मुख्य अतिथि हैं, कविता पात्र मैम, जो सेवानिवृत्त FM स्वशासित महाविद्यालय से हैं, और उनकी उपस्थिति हमेशा हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय रहती है। मुझे याद है मैम, आप जब हमारे मोनो एक्टिंग प्रतियोगिता के दौरान एक जज के रूप में हमारे साथ उपस्थित हुई थी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला था, और हम और हमारे छात्र छात्राएं भी आज इस अवसर की प्रतीक्षा में है कि आज भी आपसे कुछ सीखने को मिले। तो प्रथम मैं आपको आमंत्रित करती हूँ हमारे बच्चों को पुरस्कार देने के लिए, और सारिका मैम को आमंत्रित करती हूँ वे कृपया प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित हों। एलकेजी और यूकेजी कक्षा के लिए स्वपरिचय का प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें प्रथम स्थान अधिकार किया है अनबिता दास ने एलकेजी से। नहीं लेना है प्राइस। नितिशा मोहंती यूकेजी ए से दूसरे स्थान पर हैं। एंड आयशा स्वाई यूकेजी बी तीसरा स्थान ग्रहण किया है। okay.
चलते हैं हमारी दूसरी प्रतियोगिता की तरफ, जो कि कक्षा प्रथम और दूसरी के लिए हुआ था सुलेख प्रतियोगिता। तो जिसमें प्रथम स्थान अधिकार किया है रितिका महापात्र ने दूसरी कक्षा से। दूसरे स्थान पर है ऋषिता हृदया नायक और तीसरे स्थान पर है आयुषी अनन्या प्रथम कक्षा से। चलते हैं हमारे तीसरे प्रतियोगिता, जो कि तीसरी और चौथी कक्षा के लिए आयोजित किया गया था, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता। प्रथम स्थान अधिकार किया है आर्यन दास चौथी कक्षा से। दूसरे स्थान पर है शाही श्रद्धा बेहरा चौथी कक्षा से और तीसरे स्थान पर है नित्यम साहू चौथी कक्षा से। अब चलते हैं दूसरे प्रतियोगिता, मुहावरे प्रतियोगिता या मुहावरों का ज्ञान प्रतियोगिता, जो कि पांचवी और छठी कक्षा के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान अधिकार किया है भूमिका प्रियदर्शिनी ने छठी कक्षा से। दूसरे स्थान पर है सिद्धि श्रद्धा जैना तथा तीसरे स्थान पर है तथास्तु तथागत दास। इस पखवाड़े की आखिरी प्रतियोगिता, जो कि थी सातवीं और आठवीं कक्षा के लिए प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता, जिसमें शाश्वत दास आठवीं कक्षा से प्रथम स्थान अधिकार किया है, दूसरे में श्रेयांशु बारिक और तीसरा स्थान दो छात्र छात्राओं ने किया है स्वास्तिका महाकुल एंड शुभश्री शुभलक्ष्मी बारिक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है साक्षरता सप्ताह के पुरस्कार वितरण की। मैं मैडम और सर से अनुरोध करती हूँ यही बने रहिए, और निकिता मैम से अनुरोध करती हूँ वे आए और मंच ग्रहण करें। Here is the result and prizes for the competitions that was held in the World Literacy Week. For storytelling competition, I would like to invite Sanvi Mahanti, 4C. She got the first prize. Second prize goes to Arijit Kar, 3A. Sanvi, come. And third prize goes to Anushka Patra, 4C. For newspaper reading competition, first prize goes to Vidyanshu Mandal, 5A. Second prize goes to Siddhi Shraddha, 6C. And third prize goes to Sion Sarayukar, 5B. For book jacket cover design competition, first prize goes to M. Sagan Sagar, 8C. Second prize, class 8C, sir. Okay, sir. Second prize goes to J.S. Tanisha Mahapatra, 7C. Third prize goes to Dishita Patra, 7C.
competition was conducted for class 8, 9 and 10. The first prize goes to Sonia Mandi, 8A. Second prize goes to Priyadarshini Mahanti, 9th B. And third prize goes to Samiksha Giri, 9th B. Speech competition. Speech competition and poem recitation competition was conducted for class 9th, 10th, 11th and 12th students. The first prize goes to Ishan Das, 12th A. Second prize goes to Pritesh Mahanti, 12th B. And third prize goes to Prayas Kumar Jena, 12th A. I congratulate to all the winners and thank you, ma'am, thank you, sir, and to all the faculties for the cooperation. Thank you. It's a great pleasure to have such a great personality with us. So we witness both the programs were interested and many people are so, madam, the colleague of the state teacher with us, the student who has been trained here for our because of the scarcity of the space, only we have accommodated the achievers here with us. So, you all are with us. We are also giving this program to UPG, to rest of the students of the school. But my opinion is to our message that madam has given during our program, maybe for 5 or 10 minutes, whatever you are having in your mind, you can ask the questions to madam. We have been doing our literature program. We have been doing our literature project. And today we are having this closing ceremony in the portal. So, dear students, whatever you are having in your mind to promote in the language, kindly during the interactive session, maybe better for 5 or 10 minutes. You will be asking to the yes. So that what we have through you, the achievers, this can go to the other students of the school. So thank you, madam, in that point. धन्यवाद सर. अब जब कार्यक्रम होता है तो कार्यसूची के हर बिंदु के हमें इंतजार रहता है. हम उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं किसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है. और हर बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं से हम आज गुजर चुके हैं और इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं. अगला अतिथि देवो भव की परंपरा का हमने निर्वाह किया, लेकिन क्योंकि अतिथि देवता होता है तो उनसे आशीष के रूप में कुछ अगर हमें प्राप्त हो तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और कोई नहीं है. और आज जब कविता मैम हमारे बीच में है तो उनके आशीर्वचन तो हमसे बनते ही हैं. तो मैम से अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर आए और अपने वचनों से हमें अनुग्रहित करें. धन्यवाद मैडम. मान्यवर डीएवी स्कूल के प्रधान आचार्य गुरुवर, मेरे साथ मेरे आने वाली पीढ़ी को रोशनी देने वाले मेरे प्रिय गुरुदेवगण, प्रिय छात्र और छात्राओं, आप लोग सब यहाँ अचीवर्स बैठे हैं तो फिर आप इस मैसेज को अपने दोस्तों को पहुंचाना कि बेटा इस दुनिया में सफलता नाम का कोई शब्द है ही नहीं, कोई शब्द है ही नहीं.
क्योंकि बेटा आपको इस मुकाम पर पहुंचने के लिए जो लोग असफल हुए हैं उन लोगों ने तो सीढ़ी का ही काम किया ना, अगर वे नहीं होते तो आप कहाँ हो पाते। फिर आप जब स्टेट लेवल जाएंगे तो फिर वहां अलग बात, फिर नेशनल अलग बात, फिर इंटरनेशनल अलग बात। तो इसलिए बेटा खुशी तब तक के लिए मनाइए जहां तक इस मिट्टी से है, नहीं तो फिर जब बाहर जाएंगे तब फिर सफल असफल का वो जो द्वंद है वो आपको कष्ट देता रहे। वो समझ में आई बात? चढ़ने के लिए सीढ़ियां चाहिए और सीढ़ियों के में हर कदम गिनते हुए रखना चाहिए, क्या पता कब खिसक जाए। जो भी हो, मेरे ऊपर अब दो जिम्मेदारियां हैं, एक हिंदी दिवस की और एक साक्षरता दिवस की। तो बेटा मैं कोई बहाना ना बना करके सीधा मुद्दे पे पहुंच रही हूं कि बेटा ये हिंदी दिवस का जो कॉन्सेप्ट है सितंबर 14, 1949, इसने संविधान का लास्ट एंडिंग किया था बाबा साहेब अम्बेडकर ने, हुआ तो उसी दिन हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली। फिर से रिपीट कर रही हूं, उसी दिन हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली, अर्थात देश का जो काम काज है, दफ्तरी काम काज है, उसको हिंदी में करने के लिए प्रावधान किया गया। क्लियर? नो राष्ट्रभाषा मत मिलाइए। राष्ट्रभाषा एक राष्ट्र की जो भाषा होती है जिसे आम जनता समझते हैं बोलते हैं वो राष्ट्रभाषा हिंदी है। गांधी ने, सुभाष ने 36 के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उसको समझ लिए कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है जिसको पूरे भारत समझता है। क्लियर? राजभाषा मतलब राजकीय कामकाज। अब तो राज तो है नहीं, अब तो हम लोग बोर्ड देके लाते हैं, लेकिन अभी भी बेटा दुख की बात कि जब हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, जब हम बैंक में खाता में फॉर्म भरते हैं तो वहां हम हिंदी वाला पार्ट को घुमा करके इंग्लिश वाला दे देते हैं। वाह, यही तो संकट है ना, आज तक क्यों नहीं हो पाया। मैं मुद्दों को थोड़ा घुमा के बोल रही हूँ, क्या संकट हो गया कि हिंदी आज तक हम लोगों को, आप लोगों के पास यही सवाल है ना, हिंदी तो बोल रहे हैं, हिंदी तो गीत सुन रहे हैं, जोक्स कर रहे हैं, फिर राजभाषा राजभाषा दिवस क्यों मना रहे हैं, सवाल आ रहा है ना बेटा। जोक्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब ऑफिशियल कामकाज की बात आती है तब आज भी हम लोग अंग्रेजी में करते हैं, उस गुलामी को सर नीचा करके मान लेते हैं क्योंकि हमें डॉट 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 क्या समस्या। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जानबूझ के किया है, होता है ना, वो माँ जब बच्चा जब सोती नहीं है या सोता नहीं है तो माँ जो है अफीम खिला देती है, है ना, पर पुराने जमाने में बहुत था, अब नहीं कर रहे हैं। तो अफीम से क्या होता है, बच्चा सोने का ढोंग करता है। ओके, तो आप लोगों में से जो लोग हिस्ट्री पढ़े हैं तो उन लोगों को मालूम है 1800 में कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और वही हिंदी को पाठ्यक्रम के माध्यम के रूप में चयन किया गया। गिलक्राइस्ट हेड थे उस समय, लंबी बात है, मैं शॉर्टेस्ट में बोल रही। तो बेटा उन्होंने जिस हिंदी को अपनाया वो है खड़ी बोली हिंदी। तो ये ना सोचना कि खड़ी बोली तो हमारी नहीं थी, नहीं, दिल्ली और मेरठ के आसपास जो भाषा है वो खड़ी बोली है। फिर आप बोलेंगे बोली क्या है, अरे बेटा बोली उत्तर वालेश्वरी बोली, संबलपुरी बोली, आपके बिहार में देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं, न जाने करोड़ों बोलियां। उसी तरह खड़ी बोली उस इलाके में बोली जाने वाली भाषा थी, तो उसी भाषा को इन लोगों ने मान्यता दी। क्योंकि हम लोग जब यातायात करते हैं, चतुर्धाम यात्रा करते हैं, वो वहीं से गुजर करके जाते थे,
तो इसलिए हिंदी, वहां की जो हिंदी है सदियों से, वो हिंदी का सरलतम रूप। अब अभी तर्क नहीं करना कि भोजपुरी तो अब बहुत टीवी सीरियल फिल्म सब भोजपुरी में आ गया है, इसलिए भोजपुरी अब उभर के आ गई है। हाँ आ गई है, संबलपुरी कोसली भाषा अब उभर करके आ रही है। वो बोल रही है क्या कि हम अब उड़िया के साथ नहीं रहेंगे, हमारा देश भी अलग होना चाहिए और भाषा भी भोजपुरी होनी चाहिए। लेकिन मेहर ने तो मंगले होइला उषा विकट राजीव दृषा जानकी बल्लभ त्रुषा हृदय वही कब लिखा, जब यहाँ फकीर मोहन लिख रहे थे तब उन्होंने वहां लिखा, मतलब उनको ये भेद नहीं था। लेकिन अब आ रही है, बात क्या है वो अलग है राजनीतिज्ञों का, हम वहां उस मुद्दे तक नहीं जा रहे हैं। पहला शर्त है हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली। ओके क्लियर, राजभाषा राष्ट्रभाषा, राष्ट्र राष्ट्र जिस भाषा को समझता है। तो ये ना बोलना कि इंग्लैंड की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है, लेकिन वहां भी फ्रेंच बोली जाती है, वहां भी और एक दो भाषाएं और भी है पैरेलल में। चीन में तो आप जानते हैं चीनी भाषा एक इलाके की भाषा है, लेकिन उनकी भाषा जो है चीनी है, और उसके वहां तो आप न मोबाइल में एंट्री कर पाएंगे न आप किसी तरह से उस दुनिया में पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना नेटवर्क अपने में कवरेज करके रखा है, अब विश्व को अपने अधीन में लाना चाहता है, अलग बात है। अब दूसरी बात बेटा बार बार याद रखना, ये सवाल बहुत बच्चे पूछते हैं कि हमारे सरकार ने हिंदी को, मतलब खड़ी बोली हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी, लेकिन जब अंकों की बारी आई, आप जानते हैं 1 से 9 तक का जो हिंदी का जो अंक है वो 2 तरह का है, एक संस्कृत का है एक हमारी हिंदी का, 2 तरह थोड़ा कंफ्यूजन होता है, 8 का 9 का 1 का होता है। तो सरकार ने उसको देवनागरी लिपि के, लिपि देवनागरी है लेकिन अंक जो है वो अंग्रेजी का है, इसकी मान्यता दी गई है। इसलिए जब आप अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर कहीं दाखिल करेंगे तो अंग्रेजी में ना लिख करके हिंदी में अपना नाम लिखिए, अगर हिंदी एरिया है या उसकी आवश्यकता है। लेकिन जब नीचे अंक की बारी आए तो जरूर अंग्रेजी का अंक लिखना, स्पष्ट है। मतलब हिंदी दिवस सितंबर 1, 2022 नहीं लिखा जाए। वाह बेटा, अब पहुंच रहे हैं भाषा के पास, क्लियर। राजभाषा हिंदी को मान्यता मिली और उसी लिए उसी दिन को आज तक हम हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। केंद्र सरकार तो उसको 15 दिन तक मना रहे हैं और न जाने क्या क्या सब हो रहा है। लेकिन बेटा हर चीज में जब राजनीतिकरण हो जाता है तब बातें बढ़ जाती। अब बेटा मैं एक कहानी सुनाऊंगी, जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव है हमारे कॉन्सेप्ट में, और आप जानते हैं कि ये त्रिदेव में कौन किसके अंडर में है इसका पता नहीं चलता है। आप जितना पन्ना पलटेंगे ना उतना उलझन आएगा। विष्णु तो सोए हुए रहते हैं अनंत सज्ञा में, देखे है यार नाभि से कमल है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनकी पत्नी कौन है, सरस्वती देवी नहीं, विष्णु की पत्नी जो है वो है लक्ष्मी, लेकिन ब्रह्मा की पत्नी जो है शिव सरस्वती देवी। और शिव जी तो हिमालय के ऊपर बैठे हैं भस्म लपेट करके, और ये एक पालन करता और एक संहार करता और एक सृष्टि करता हुआ। तो अब ये तीनों जब मिल करके संसार का सृजन कर लिए, अब नारद तो जानते हैं पूरे के पूरे आज के CID से भी बढ़कर है, पता नहीं वो कहाँ कहाँ घूम लेता है, और उसका उनका यान जो है वो क्या है, डेंकी, आप लोगों के कॉन्सेप्ट में नहीं है, पहले जमाने में था। तो वो त्रैलोक्य भ्रमण करते हैं, उसी से आ करके देख करके बोलने लगे, हे विष्णुदेव आपने जो सृजन किया वो सब सही है, लेकिन कुछ तो इसमें कमी है, मुझे लग रहा है कि कुछ कमी है, लेकिन क्या है हम तो महसूस नहीं कर पाते। तब फिर त्रिदेव बारीकी से घूमने लगे और सबको लगा कि सृष्टि इतना सुंदर है लेकिन कमियां उसमें है।
बोलेगा कौन? तो विष्णु ही बोल पाएंगे। तब फिर बैठ करके जब निर्णय लिए तो प्रॉब्लम है कि साउंड सिस्टम नहीं दिया गया है। संसार का जो सृजन हुआ तो वहां साउंड सिस्टम नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है, वाणी नहीं है, झरनों में वो जो गुंजन है वो नहीं है, कोकिल का वो जो कुहतान है वो नहीं है, पत्तों का वो जो झरझरों के झरना है वो तान नहीं है। तब फिर बैठ करके सोचने लगे कि क्या किया जाए, कौन कर सकता है, तो किसी का डिपार्टमेंट नहीं। और मोदी सरकार ने आज डिपार्टमेंट बदल देते हैं, हमारे नवीन सरकार हर दो चार दिन में बदल लेते हैं मंत्रियों को, लेकिन वहां तो परमानेंट डिपार्टमेंट है, उसको तो बदला नहीं जा सकता है और ना ही आज तक बदल पाए हुआ। अब बैठ करके तय किया गया कि इसकी आराधना देवी को किया जाए। पार्वती ने सुझाव दी कि किसी देवी को आराधना कीजिए, तो फिर वो बोलेंगे। तो फिर देवी माँ का सृजन हुआ, उनसे आराधना किए, तब निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा ये मेरे पावर में भी नहीं है। अब एक पावर वाली देवी का सृजन हुआ, वह है सरस्वती। उनका वस्त्र का रंग क्या है? सफेद। सफेद का मतलब उसमें सारा रंग आप लगा सकते हैं या फिर कोई रंग भी नहीं लगा सकते। अब सरस्वती का जब सृजन हुआ और वो जब चारों ब्रह्मांड घूम करके आ गए, तब ये नाद, ये ध्वनि, ये गुंजन, ये वाणी सब आ गए। इसलिए हम लोग सरस्वती को सप्त राग की देवी मानते हैं। तब फिर क्या हुआ? सारा संसार सृजन होने के बाद एक अधूरापन था धुन की, वाणी की, गुंजन की, और उसको दिया किसने? परम सत्ता ने सरस्वती के माध्यम से। वाह बेटा, अगर वाणी ना होती तो क्या होता? ऐसा ऐसा करके बोलते, कहां समझ पाते, कहां समझ पाते। फिर आप वाणी को देखिए, यहां आपकी हिंदी में है मैं खाना चाहती हूं, मतलब आई वॉन्ट टू ईट। बंगाली क्या बोले? अमी खेते चाय। ओके, ये लोग क्या बोलेंगे? अंग्रेजी वाले आई वॉन्ट टू ईट। फिर थोड़ा सा बदल लीजिए, बंगाली बोलेगा अमी जल खाबो, उड़िया बोलेगा क्या वो चबा के खाएगा उसको तो पानी, उड़िया क्या बोलेगा? पानी पी भी, हिंदी में पानी पीना हुआ। फिर ऐसा नहीं कि उड़िया बंगला हिंदी के साथ है, आप यहां से थोड़ा गंजाम चले जाइए, दूध एक शब्द है मतलब मिल्क, और माँ का दूध है तो ब्रेस्टफीडिंग हुआ। आप वहां जाकर के बोलेंगे कि मुंह, बालेश्वर में, उड़ीसा में, यहाँ इधर क्या बोलते हैं? दूध पी दे रहे, जा ग्लास रखाई ची, मतलब आपकी मम्मी आपसे दूध पीने के लिए बोल रही है जो गाय का दूध है। और यही शब्द अगर बाय मिस्टेक आप गंजाम में बोल लेंगे तो आपको अश्लील बोल करके भगा देंगे, क्योंकि वो माँ के स्तन को दूध बोला जाता है। एक ही प्रदेश है, एक ही भाषा है, तो भाषा का रूप जो है, प्रयोग जो है वो बदल जाता है, वो बदल जाता है। तो बेटा हर वाणी में वो ताकत है कि इस इलाके में जैसे बोली जाती है वैसे हम समझेंगे, वहां जो बोली जाती है वहां के लोग वही समझेंगे। तो मैं दूसरी भाषा के साथ क्यों तुलना करूं, हमारी ही भाषा में ऐसी है हुआ। अरे बेटा साला शब्द जो है वो स्लैंग कैसे हो गया? अरे साला मतलब तो रिश्ते का है, हम तो तुम्हें साला बोल रहे हैं, मतलब वो रिश्ते का है। हमारे उत्तर वालेश्वर में बुढ़िया बोल करके एक शब्द है, किरे छुआ केमतियो छुरे, किरे माँ केमतियो छुरे, अरे बूढ़ी बोल रही थी। तो बारीपदा में बच्चे चिढ़ गए कि आपको क्या लग रहा है मैं इतने उम्र का हूं। अरे इस शब्द में हमारे इलाके में एक भावात्मक आवेग है, मैं बेटा दूसरे प्लेस में पहुंच रही हूँ, भावात्मक आवेग है,
तो जब हम आपसे पुकार लेती हूँ कि रे छुआ केमती हो छू, मतलब मैं आपको बच्चा नहीं समझ रही हूँ। मेरे हृदय में बच्चे के प्रति जो प्यार है उसको मैं आपके ऊपर उभेल दे रही। इसलिए हर भाषा इकाई में शब्द भंडार अपनी अपनी शैली में अभिव्यक्त करती है, ठीक है। अब हिंदी के साथ कौन सी बात आ गई कि हमें हिंदी ही पढ़ने के लिए विवश किया जाए और हिंदी को ही मरमर के पढ़े। कितना पढ़े, इधर मदर टंग पढ़े, उधर अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो लोग हमको अपडेट नहीं मानेंगे। तो सिर्फ बोलना तो नहीं, उसके साथ ड्रेस भी होना है ना। अब जो नेट में हम लोग ड्रेस देखते हैं उसको भी एक आध खरीद लेते हैं और पहनने लगे हैं, इसलिए ड्रेस भी वही पहनते हैं, फिर बोलते हैं और लहजा भी वही देते हैं, थैंक यू गुड लक। जैसे हमारी भाषा में ये शब्द है ही नहीं, ओके, हमारी भाषा में ये शब्द नहीं है। तो बेटा यहाँ एक बात तो आपसे जरूर कहूं कि बेटा ये जो आज के जमाने में तलाक बहुत बड़ी बात हो गई है ना, मैरिज और डिवोर्स, मैरिज एंड डिवोर्स। तो बेटा ये डिवोर्स शब्द का वो उर्दू वाले क्या बोलते हैं, तलाक। हिंदी में क्या शब्द है कुछ, त्याग पत्र। तो त्याग पत्र तो अलग बात है, तो फॉर्मेट की नाम है। मतलब हमारी संस्कृति में तलाक या डिवोर्स नाम की कोई भावना कभी नहीं थी। हम तो जन्मों के लिए शादी करते हैं, अच्छा लगे तो भी, अच्छा ना लगे तो भी। बेटा मैं किसी की चापलूसी अगर ना करूं, मोदी की पत्नी का बारे में जानती है ना, उसका तो साथ नहीं रह पाए ना, बस बचपन में शादी हुई, अब जब इनकी जीत हुई तो उनको भी प्रोटेक्शन मिल गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी पति के नाम से, देश के नाम से डेडिकेट किया, ओके। तो हमारे संसार में, हमारी संस्कृति में कोई डिवोर्स या तलाक है नहीं, तो हम क्यों टटोलते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में उस जहर को घोल दिया गया है। जब हमारा शब्द नहीं आए तो वो कहां से आएगा, और अगर आता भी आए तो हम उधार करके लाते हैं। उस देश में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बेटा, जाकर के वहां या तो चर्च में जाए या फिर मंजूर है तलाक आपको, कबूल है, हाँ कबूल है। हमारे यहाँ कहाँ कौन कबूल करता है बेटा, कहाँ माँ बाप बैठ करके साइन करते हैं कोर्ट पेपर में। माँ बाप तय किए, लड़का लड़की देख लिए, बस शादी खत्म। तो इसलिए बेटा जो शब्द हमारे सब भाषा में, हमारी भंडार में नहीं है, उसको हम क्यों लाने का प्रयास करते हैं? इसमें हमें मॉडर्न कोई नहीं बोलेगा। तीसरी बात बेटा, पूछ रहे हो दोनों को मिलाना है ना, तीसरी बात बेटा, हम लोगों को लगता है कि जो अंग्रेजी बहुत सही तरह बोल लेता है ना वो एडवांस है, वो बहुत एडवांस है। जो अंग्रेजी स्टाइल दिखाता है वो बहुत एडवांस है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम यह है कि अंग्रेजी स्टाइल आप जाइए अपने दफ्तर में दिखाएं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जब आप हेलो करते हैं तो अमेरिका वाले आपको फोन उठाते हैं, फ्रेंच वाले उठाते हैं, वहां दूसरा कोई साधन नहीं है, तो आप अंग्रेजी में बोल लीजिए, कौन आपको मना करता है। वहां आप थैंक यू से लेकर के न जाने जो चाहे सो कर लीजिए। लेकिन जब आप उड़ीसा में जाते हैं, जब आप जगन्नाथ जी को नमन करते हैं, तब तो हाथ उठा करके यही बोलेंगे ना, प्रभु बचे ही नहीं रही थोड़ा, यही थोड़ा परीक्षा टमर बचेंगे या पर थोड़ा जहा करीबू करीब, ये सर सेम बात है बेटा। जब हम देश के किसी इलाके में जाते हैं, जब दूसरी भाषा कुछ बोलने का साधन है ही नहीं, तब आंख मूंद करके हिंदी बोलेंगे कैसी है ये। तो कंपनी वाले तो अब ज्यादातर हिंदी बोलने लगे हैं क्योंकि अच्छा लगता है सबको, अब फिर अच्छा लगता है कैसे, अब तो सवाल आया ना, अच्छा कैसे लगता है? क्या सच में हिंदी में कुछ ऐसी बात है जिससे कि सबको अच्छा लगता है? क्यों सब, मतलब मैं भी स्वस्तर की बात कर रहा हूं। जब अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति का डायलॉग होता है तो उसको न जाने विश्व भर के लोग सुनने के लिए बैठ जाते हैं,
उन लोगों को जीत वीत से कोई मतलब नहीं है। अमिताभ बच्चन के टोन से, उनके उस लहजे से, कौन से अंग्रेजी में वो बोलते हैं बेटा, बोलते तो वो हिंदी में ही है। ध्यान से देखना अंग्रेजी शब्दों का कितना इस्तेमाल वो करते हैं। अब सवाल ये है बेटा, हिंदी ही क्यों? राजभाषा जब सरकारी नौकरी करेंगे तब सोच लेंगे, मैडम मैं भी मंजूर, मुझे भी है कि मैडम सोच लेंगे तब क्या करेंगे, लेकिन जब तक उस नौकरी तक नहीं जाते हैं तब कौन सी भाषा को लेंगे? हाँ जरूर पूछिए, माँ से जब नमन करती है, जब प्रणाम करती है, तब क्या बोलेंगे? माटी के मुंटा ऊपर हाथ तो बुले ही देवे, आज जी जब पहुंचे कल सकड़ जाओ देखा जी, ये सर अंग्रेजी में दुआ मांगते हैं क्या आप लोग? हिंदी में बोलेंगे क्या? कभी नहीं बोलेंगे, हरगिज नहीं बोलना, क्योंकि अगर माँ नहीं, मातृभाषा नहीं, मातृभूमि नहीं, तो आपका अस्तित्व नहीं है। आप अगर पंजाब जाएंगे लोग आपको पंजाबी बोलेंगे क्या? कभी नहीं बोलेंगे, वो उड़िया धेड़ो अस्ची। अभी थोड़ा धेड़ो से कट करके हम लोग इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि सेंटर मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग अब उड़िया आ गए, हुआ ना? तो इसलिए हमारे धेड़ोपन को हमें खोना चाहिए, हमें उसको धो देना चाहिए, नहीं तो बेटा मातृभाषा को अगर हम भूल जाएंगे तो आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, न घर का आप रहेंगे न घाट का रहेगा। इस बात को कभी मत भूलना। आप करोड़ों प्रयास करें अंग्रेजी का, आप करोड़ों प्रयास करें हिंदी का, कोई बिहारी आपको बिहारी नहीं बोलेगा, और आप गर्व के साथ बोलेंगे हम जगन्नाथ धाम से आए हैं और हम वही की मिट्टी के हैं। क्लियर हुआ बेटा? अब हिंदी ही क्यों? तो बेटा आप तो जानते हैं, अब तो प्रूव हो गया है कि ये सारी थ्योरिया, डार्विन्स थ्योरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारे के सारे हमारे वेदों उपनिषदों में लिखा हुआ। ये भी जान गए हैं कि संस्कृत की चर्चा भारत से ज्यादा विदेश में हो रही है, क्योंकि वहां ज्ञान का खजाना भरा हुआ है। तो बेटा भारत के ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए मूल भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत हुआ, और हमारे देश के मुनि ऋषियों और हमारे देश के साधकों ने उसको हिंदी में कर लिया। अब हिंदी में क्यों? एरिया बड़ा हो जाएगा। उड़िया में करेंगे तो सिर्फ उड़िया वाले समझ पाएंगे, हिंदी में करेंगे तो भारत के सभी लोग उसको समझ पाएंगे। तो बेटा अब गीता देखिए, हिंदी में भर्षण सबसे अच्छा है। अब वेद बोलेंगे हिंदी का भर्षण सबसे अच्छा है। रामानंद सागर को किस पर करना था? रामायण पर, हिंदी में किया। क्यों किया? उड़िया में कर सकते थे और कुछ भाषा में कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन लोगों ने, क्योंकि अगर हिंदी होता है तो ब्रॉड एरिया के लोग उसको समझ पाएंगे। तो बेटा उन लोगों को हमारे ज्ञान को चुराने के लिए तिजोरी की चाबी जो है वो हिंदी ही है। अरे आपके घर हम चुना चुराने के लिए अगर जाए तो फिर कैसे चुराएंगे? पहले चाबी को तो लाएंगे ना। तो बेटा हर ताला के लिए हर एक चाबी है, तो इस ज्ञान को चुराने के लिए हिंदी ही एकमात्र है। आप बोलेंगे मैडम अंग्रेजी वालों ने किया, ट्रांसलेट नहीं किया? किया है रे, बहुत सारा प्रयास किया, कहां से उनको शब्द मिलेगा? हमारी भाषा में जो शब्द है वो कहां से मिलेगा? अतिथि में जो धुन है, गेस्ट में वो धुन कहां है बेटा? गेस्ट में वो कहां धुन है? कौन आए हमारे घर में? ना एक मेहमान आए, ये जो धुन है मां शब्द में जो गुंजन है वो मदर में कहां से मिलेगा बेटा? इसलिए नंबर वन हमारे ज्ञान को जानने के लिए उन्हें इजीएस्ट मेथड है हिंदी। ओके, और दूसरी बात क्या है? हिंदी को सीखना आसान है, क्योंकि ना वो संस्कृत जैसा अहम गच्छामि संश्लिष्ट है, जानना एकदम ग्रामर को जो कंठस्थ नहीं किया है, जिसने बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं बेटा, हम लोग बदमाश है इसलिए सुनते नहीं। अब जब जबरदस्ती आ जाएगी कि संस्कृत कंपलसरी है तब फिर समझ जाएंगे। वह तो संस्कृत में समझना मुश्किल है, अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हो सकता, तो फिर इजिएस्ट प्रोसेस हुआ हिंदी। और ये भाषा बहुत सरल है,
इसलिए सरलता की कुंजी के लिए हिंदी प्रथम विश्वविदित भाषा नंबर टू है बेटा। ये स्वाधीनता संग्रामियों ने तो समझ गए थे कि हिंदी लेंगे तो ठीक है। अच्छा पहले और एक बात बता देती हूँ कि मैं हिंदी हिंदी रट क्यों लगा रही हूँ। बेटा देखो भारत का मैप से तो आप अवगत हैं, उत्तर भारत विंध्याचल से उस तरफ जो है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत दीर्घ दिन तक अजीबी उसको जीता नहीं गया था, जीत नहीं पाए ये मुगल पठान वाले विंध्याचल के कारण। तो वहां की चार भाषा है तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम, उसमें तमिल भाषा सबसे समृद्ध है, बराबर संस्कृत के हैं बोलते हैं और उनका भंडार जो है उससे भी अधिक है। और समग्र उत्तर भारत जो है वो संस्कृत के विकसित रूप है। ओके आसाम के उस चारों तरफ जो छोटा छोटा राज्य है वो लोग तो वहां तो लोग रहते नहीं थे, बाद में वहां ठहरे हैं, तो इनकी बोली जो है वो तिब्बती से चीनी से प्रभावित है। इसलिए समग्र भारत की जो भाषा है उसको हिंदी में समझना आसान हो जाता। वह दक्षिण में कैसे, क्योंकि दक्षिण संस्कृत का ही रूप है। वो लोग बेसिकली शंकर का देश कौन सा है, केरला है। केरला में अभी भी एक गांव है जहां के लोग संस्कृत में वार्तालाप करते हैं। ओके बेटा, तो इसलिए स्वाधीनता संग्रामियों ने बता दिया कि हिंदी ही भारत के जन जन की भाषा है। फिर उसके बाद बेटा लिंक लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज मतलब आपको मेरे साथ जोड़ने का संपर्क। जब आप अमेरिका जाते हैं कंपनी में जा गए हैं ना, आपके चाचा चाची या कोई कोई गए हैं ना, जब वो लोग जापान गए हैं, चीन गए हैं, मॉरीशस गए हैं, तो क्या हुआ वहां जब पहुंचते हैं अगर वो अंग्रेजी में बात करते हैं तो दूसरे लोग छेड़खानी करते हैं, क्या तुम्हारे देश में कोई भाषा नहीं है क्या, अंग्रेजी में क्यों बोलते। तो इसलिए वो लोग वहां कोई तो जानबूझ के बोल रहा है, कोई विवश हो करके बोल रहा है, क्योंकि हिंदी के सिवा उनको कोई चारा नहीं। फिर उसी वर्ग में एक वर्ग भी आ गए, कोई तो लिखने वाले है ना, आप लोगों में भी तो बहुत सुंदर सुंदर प्रतियोगिता में दखल किया है ना, तो बेटा कोई तो लिखना चाहता है या चाहती है, कोई भारत छोड़ के गया है या गई है बोल के उसको दर्द है तो वो कंपेयर करके लिखता है भारतीय कल्चर वहां का कल्चर। तो बेटा वहां भी अब समृद्ध साहित्य लिखा जाने लगा, तब फिर हिंदी अब कहां की भाषा और कहां का साहित्य हो गया, विश्व साहित्य और विश्व भाषा का रूप ले लिया। उसके बाद फिर आता है क्या कि बेटा ये जो विश्व भाषा का दर्जा लेने के बाद में कौन कौन इसमें जिम्मेदार है, तो पहला शर्त है बेटा व्यापारीकरण। व्यापारीकरण आज तो हम लोग जो कुछ खरीदते हैं, आप अगर शू खरीदने के लिए जाते हैं तो चेक कर लेते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में चेक कर लेते हैं ना, कहां क्या जूता किस दुकान कॉस्ट कितना हुआ, साउंड सिस्टम दुकान कॉस्ट कितना मिलेगा। ओके किस भाषा में वो बोलने से आपकी मम्मी समझ पाएगी, हिंदी हिंदी। और सभी जानते हैं भारतीय जनता उद्यमान है, उद्यमान मतलब नीचे थे गरीबी में सड़े सदियों से पराक्रांत हुए, अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ का मार्केटिंग बहुत सुंदर है, तो इसलिए किस भाषा में वो लोग बोलेंगे अंदर की बात है। ठंडा मतलब कोका कोला, ये जो स्विचिंग मतलब उन्हीं लोगों ने तो दिया ना, हिंदी भाषा और स्क्रिप्ट अंग्रेजी। क्यों मालूम, क्योंकि स्क्रिप्ट अंग्रेजी होने से सभी पढ़ पाएंगे, हिंदी भाषा होगी तो सभी समझ पाएंगे, तो इसलिए ये व्यापार के लिए बढ़ोतरी बहुत ज्यादा मिल गई। हुआ बेटा, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट बेटा हमारे रामायण हमारे महाभारत हमारी गीता हमारे भागवत से सारा विश्व बोल रहा है कि उसमें संतोष उनको ज्यादा मिलता है, आनंद उनको ज्यादा मिलता है। मालूम है या क्यों, क्यों मालूम है ना, उस देश में सोच में आ गया है कि सभी अगर इस्कन हो जाएंगे, इस्कन का नाम सुने हैं या इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्फ्रेंस कॉन्शसनेस, प्रभुपादों का नाम सुने हैं, वही गुरु हैं जिन्होंने उसको फैलाया है, कोई फर्क ना रहा। हाँ, और गोपाल गौर गोपाल दास का नाम सुना है, उनका टॉक सुनते हैं या नहीं, समझाते हैं, जो नहीं सुनते हैं तो सुनना शुरू कीजिए। वाह बेटा, तो ये लोग जब रास्ते में जब खोल कीर्तन करके नाचते रहते हैं ना,
तो आप जैसे छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ नाच रहे हैं। कैसे? अब आप पूछेंगे मैडम कैसे हो सका, संभव कैसे है, जब इंडिया में हम लोग नाच नहीं रहे हैं। हमारे लिए गुरु का गुरु की पाबंदी है, मम्मी की पाबंदी है, पापा की है, वहां कैसे नाच रहे हैं? खेलना मना, कूदना मना, पढ़ने के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देश प्रगति है, प्रगतिशील है। तो जब आप स्कूल से वापस आते हैं, बेटा मैं वीडियो का ही रूप बोल रही हूँ, जैसे देख रही हूँ और सुन रही हूँ, तो ये लोग जब कीर्तन बजा करके करते हैं हरे कृष्ण हरे नाम, तो बेटा इन बच्चों को ना वो कंधे में एक का बोल देते हैं, तुम वो कंधे हाथों दे तो हम लोग नाचेंगे, तो बच्चा क्यूरियोसिटी में आ जाता है मेरे कंधे में। अगर मैं आपसे बोलूं कि आओ बेटा नाचेंगे, तो आप बीच रास्ता सड़क पर शुरू करेंगे, तो एक जब शुरू करता है मुस्कुराने लगता है तो बीसों उसके साथ आ जाता है, और एक बार जब उनको नयापन आ जाता है तब फिर सारे बच्चे उसी समय आ जाते हैं। अब तो सोच पड़ गया कि अगर हिंदू धर्म, वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग क्रिश्चियन नहीं होंगे, हम मोमबत्ती जलाने नहीं जाएंगे संडे को, संडे को हम मोमबत्ती जलाने चर्च नहीं जाएंगे, आप हमको जिस खाते में रखना है रख लेंगे, लेकिन हमारे देश के शंकराचार्य बोल रहे हैं वो लोग हिंदू हो ही नहीं सकते, वो लोग बोल रहे हैं हम हिंदू नहीं हो सकते। और अगर आप रथ यात्रा के अवसर पर उन लोगों का इंटरव्यू कभी ध्यान से सुने होंगे तो मुझे झूठी नहीं मानेंगे, कि वो लोग बोल रहे हैं आप मुझे माने हिंदू या न माने मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे हिंदू शब्द से कोई मोह नहीं, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम कृष्ण से प्यार करके ही रहे, आपको मानना है हिंदू मानिए, ना मानना है ना मानिए। इधर मालिका ने क्या कहा है कि भारत में हिंदू धर्म नहीं रहेगा, सुना है या नहीं सुना है, भारत में हिंदू धर्म नहीं रहेगा। तो डुबकी लगा के मर जाए तो मर जाए, आप अगर मानना चाहते हैं तो मर जाए, लेकिन तो बेटा विदेश में हमारा कृष्ण तो अभी भी नाच रहे, हमारे कृष्ण के नाम पर तो करोड़ों अभी जी रहे हैं। कौन सी भाषा बेटा? हिंदी ही है। हरे कृष्ण हरे राम किस भाषा का शब्द बोलेंगे, और उस शब्द में क्या है बेटा? सदियों से तो कहा गया है कि ओम अगर आप बोल लेते हैं तो सारे संसार के जितने इष्ट देव हैं सभी संतुष्ट हो जाते हैं, मालूम है या नहीं? अब बोल रहे हैं नासा वाले क्या कि सूर्य देव के पास से जो लाइटनिंग का वो लोग रोशनी ला रहे हैं, वहां की जो धुन है वो ओंकार के आसपास का है, आप मानेंगे? सही है, न मानेंगे और भी अच्छा है, दूसरा कोई मान लेगा, जरूरी नहीं है कि मेरा ही बेटा हिंदू रहे, दूसरा किसी का बेटा हिंदू रहे, लेकिन हमारा धर्म तो बेटा सनातन है, उसकी न मृत्यु है न आदि है न अंत है। अब आप चाहें आप किस खाते में अपना नाम दाखिल करेंगे, हिंदू में या दूसरे किसी में। बेटा मैं कोई राजनेता नहीं, मैं मेरी दिल की बात बोल रही, आप माने या न माने राम के शब्द में जो शक्ति है वो किसी भी शब्द में नहीं है, हरि शब्द में जो ताकत है किसी भी शब्द में नहीं है, हे ईश्वर मुझे बचा लो में जो हिम्मत है जो विश्वास है वो संसार के किसी भी शब्द में नहीं है। तो फिर बेटा हमारी हिंदू की कुंजी हम क्यों छोड़ दें, जिस कुंजी को लेकर के विदेश व्यापार कर रहा है, हम हमारी कुंजी को हमारी लापरवाही में क्या उनको छोड़ दें, संगत होगा बेटा। अब बाकी आई बेटा ज्ञान की बात, साक्षरता दिवस, तो बेटा साक्षरता शब्द का अर्थ है सौ अक्षर साक्षर, मतलब आप अक्षर के साथ अवगत हैं, क्लियर, मतलब आप लिखना पढ़ना जानते हैं, क्लियर बेटा। ये साक्षरता अभियान वो विदेश का तो हार्ड डेट हो, वो तो आप तो क्या ग्रैंडफादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, लवर्स डे, ना जाने कितने डे, हर दिन डे डे होते होते अब हम लोग थक जाएंगे, 365 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि वो व्यापार है बेटा, उस दिन कार्ड ज्यादा बेची जाती है, उस दिन मैसेज ज्यादा होता है, उनको मुनाफा मिलता है, अलग बात है बेटा, मैं उस मुद्दे में नहीं जा रही हूं, मैं सिर्फ आपको साक्षरता का अर्थ बता रही हूं। साक्षरता का दो उद्देश्य है,
एक आप ज्ञान आहरण कर पाएंगे और दूसरा उस ज्ञान से आपको अपने जीवन निर्वाह करने की शैली मिल जाएगी। आग वगैरह मूर्ख है तो क्या करेंगे, खेती में काम करेंगे, लेकिन आप खेती में भी आप काम नहीं कर सकते क्योंकि खेती में काम करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। हुआ? तो साक्षरता का मतलब पढ़ लिख करके ज्ञानी होना। तो बेटा एक तो आपको जॉब मिल रहा है, कितना कमाते हैं, हमारा तो हमारे पापा का तो महीने में 10 लाख रुपया आता है, जिसका व्यापार है वो तो बोलेगा हमारा हिसाब ही नहीं, लेकिन उसमें भी तो बेटा दो है, टाटा को देखिए तो अलग है, धीरूभाई अंबानी को देखिए अलग है, एक दान करते करते थक गया और दूसरा लूटते लूटते मर गया। ओके, तो फिर साक्षरता का दो उद्देश्य होगा, पैसा कमाना। तो पैसा कमाते कमाते बेटा थक जाते, जब 60 हो जाएगा ना तब सोचेंगे कहीं अगर कोई सिस्टम होता ना तो हम अगले जन्म के लिए थोड़ा रख लेते उसको। समझ में नहीं आई, अरे मेरा जो मैं जितना गहना पहन करके आई हूं, मेरे पास जितना पैसा है, अगर मैं अभी मर जाऊं तो अगर ये पैसा अगले जन्म के लिए रह जाता तो मैं जीरो से शुरू नहीं करती, मैं वहीं से शुरू करती। ये सर सबको यही इच्छा है ना, अमीरों के अगर जन्म लेते तो क्या फर्क है, जिंदगी आसान हो जाती है। गलत बेटा, अगर कलाम मरने के लिए गए थे क्योंकि जॉब नहीं मिला और बहन का गहने का पैसा चुका नहीं पाएंगे और वो अब अगर विश्व के आदर्श बन सकते हैं, क्या सिर्फ ज्ञान के लिए बने हैं या मानसिकता के लिए बने हैं बेटा, वो तो सही मायने में भारतीय है ना बेटा। आपको पैसा मिल गया लेकिन ज्ञान का जो दूसरा साधन है क्या, आध्यात्मिक विकास। ईश्वर ने हमें यहां क्यों भेजा, क्या पैसा कमाने के लिए, क्या 25,000 की साड़ी पहनने के लिए, क्या ज्वेलरी पहनने के लिए, क्या हमारे कहिनूर हीरा को चुरा करके इतने साल तो उसने भोगा ना, आखिर मरी तो ना, आखिर उसको तो मरना पड़ा ना, वो तो लेके तो नहीं जा सकी ना, अरे कोई ले लिया, जो इंग्लैंड की रानी जो अभी अभी मरी है उसके बारे में मालूम है ना, नहीं बोलूंगी ज्यादा समय हो जाएगा, देख लो उसको कितने देश का वो अभी भी मालिक है, हमारे देश का अभी भी वो मालिक है, हम गुलाम थे ना उसका, तो क्या वो ले जा पाई बेटा, क्या उसको वो पैसा वो शासन से कोई फायदा हो पाया। हम तो उसके नाम पर वही ना बोलेंगे, हम लोगों को बहुत सताया है, हमारे स्वाधीनता संग्रामी को तंग करके मारा है, लिखने के लिए नहीं देते थे, भगत सिंह को लिखने के लिए नहीं दिया गया था, मालूम है या नहीं बेटा, उस इतिहास को दफनाया गया है फिर निकल के आ रहा है, सत्य तो सत्य ही होता है बेटा। तब फिर अर्थापार्जन जो है वो साधन सबका कंप्लीट हो रहा, लेकिन बेटा ईश्वर ने हमें यहां क्यों भेजा है वो साधन के बारे में हम भूल गए। हम सोचते हैं कब सोचेंगे, जब रिटायरमेंट हो जाएगा, जब मेरे बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके खड़े हो जाएंगे तब हमें करना। बेटा जितने सारे अमीर लोग मर रहे हैं अब, सभी अपने डेथ बेड में जो सुई नोट लिख रहे हैं, सबकी एक ही बात है कि मृत्यु के समय साथ देने वाला कोई नहीं है सिवा अपना सत्कर्म। तो फिर बेटा मैं ये नहीं बोल रही हूँ सत्कर्म का मतलब दान देना, धर्म का मतलब पुण्य कमाना, ढोंग रचाना, नहीं बोल रही हूँ बेटा, सिर्फ एक शब्द याद रखना, इंसानियत को खोना नहीं, इंसानियत को खोना नहीं, और इंसानियत की कोई परिभाषा नहीं होती है बेटा, आप जो अच्छा करते हैं वही इंसानियत है। और आज अगर हिंदी दिवस सफल है, आज अगर साक्षरता दिवस आप लोग सफल मनाना चाहते हैं, तो मेरी एक ही बात को याद रखिए, मिट्टी से जुड़े रही है, नहीं तो पौधा जो है ना जड़ से उखड़ जाएगा। और दूसरी बात है इंसानियत को हरगिज खोना नहीं, उसको बरकरार रखना। मैं आपको कुछ देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपका नोट अपने दोस्त को दे दीजिए नहीं बोल रही हूँ, कंपटीशन की जो किताब आप कॉस्टली खरीदे हैं उसको दे दीजिए वो भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बेटा जब कोई जा रहा है मर रहा है तो फोटो ना खींच कर एक बार तो उसका हाथ उठा करके करीब में पूछा दीजिए,
इंसानियत की कोई परिभाषा नहीं होती। जो अब डुबकी लगा करके मर रही है उसको बेटा बचा लीजिए। मेरा निवेदन यही है कि बेटा जब उम्र चला जाएगा ना, तब पश्चाताप के बदले कम से कम इंसानियत का एक दूब जो है ना, दूब का पत्ता देखा है ना पूजा की थाली में, उसको लगाई जाती है। नहीं तो अक्सर हम उसको मरोड़ते हैं, काटते हैं, उसके लिए कोई फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन वो कमबख्त जो है अक्सर निकल के आ जाता है, अक्सर निकल के आ जाता है। कई बार बचपन में हमें सवाल होता था, ये दूबो ढक उगाएगी पूजा थाली में, रुक जाओ इतने गुड़ा पत्र था उठाऊ। लेकिन बेटा पूजा की उस थाली में जहां आप स्वागत कर रहे हैं, दूर्वा को ही रखा जाता है, हल्दी को ही रखा जाता है, अक्षत को ही रखा जाता है, चंदन को ही रखा जाता है, और किसी को नहीं। क्योंकि धूप से हमें यही सीखनी है, स्थिति चाहे कुछ भी हो, इंसानियत को मारना नहीं चाहिए। मेरे विद्यार्थी, आप लोगों ने सुना है, समझा है, आगामी पीढ़ी के दायाद आप लोग हैं। मैं आप सब से यही निवेदन करूंगी कि इंसानियत को खोइए मत, भाषा की डोरी को जड़ के रूप में पकड़ते रहिए। बाकी जो आएगा देखा जाएगा, तूफान आएगा तो झेल लेंगे बेटा, मृत्यु तो अनिवार्य है, कभी ना कभी तो मरना है। हमने देख लिया, आपने देखा नहीं तो फिर देखिए उसके बाद मेरा जीवन, मेरा उम्र आपके साथ लग जाए, जैसे आपकी मम्मी कहती है। लेकिन बेटा जीना जो कला है, इस जर के लिए जितना सोच रहे हैं, इंसानियत को बिना खोए एक बार सोचिए। धन्यवाद बेटा, तंग तो नहीं आ गया। अच्छा बेटा, सर से हमने निवेदन किया था, आपको कोई भी सवाल अगर है, कोई भी सवाल भाषा को लेकर के, साक्षरता को लेकर के कोई भी सवाल अगर है तो फिर आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल बेहिचक पूछिए, अपना अगर है बोलना नहीं चाहती है तो और किसी का बोल करके बोल लीजिए, झूठ भी कभी कभी जरूरी पड़ता है ना। अश्वत्थामा हता नरवा गुंजर, अगर वो सच नहीं कहे हुए होते तो फिर क्या होता बेटा। हमें सिखाया ही यही गया है, सत्य मतलब सत्य नहीं बेटा। अगर आप किसी के न्याय के लिए, किसी को बचाने के लिए अगर सच बोल रहे हैं तो वो झूठ नहीं होता है, वो झूठ होते हुए भी वो सच से भी ज्यादा हो जाता है, सच से भी ज्यादा होता है। कृष्ण ने तो कभी कुछ उत्तर ही नहीं दिया, कभी तो उत्तर नहीं दिया ना बेटा। बहुत लंबी बात हो जाएगी, पूछिए कुछ पूछना है तो, या फिर नहीं है तब ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। सृष्टि की पूर्णता के बारे में तो नहीं पता, पर हमारे कार्यक्रम पखवाड़ा की पूर्णता को आप उस ओर ले गई हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी मैं प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे इस मंच पर आकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय अतिथि, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर कुछ कहने के लिए मौका मिला, इसलिए मैं अत्यंत खुशी व्यक्त करता हूँ। आज का दिन हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी मात्र एक भाषा नहीं बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो भारत के कोने कोने में बैठे लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। हिंदी मन की भाषा भी कह जाता है। हिंदी को एक सक्षम और समर्थ भाषा बनाने के लिए हमारा विद्यालय तरफ से जो कार्यक्रम हो रहा है, जो प्रयास हो रहा है, इसीलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्लेटफॉर्म में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं।
आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारे बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर आ चुका है और कार्यक्रम अंतिम पड़ाव में है और कार्यक्रम खत्म होने के दौरान हम धन्यवाद अर्पण ना करें यह असंभव है, तो मैं धन्यवाद अर्पण करने के लिए मिसेस पिंकी खातून को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ कि हर साल हमारा यह कार्यक्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। इसके साथ ही मैं विश्व साक्षरता दिवस के लिए भी शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं भारत की बेटी हूँ और हिंदी जैसी मधुर भाषा हमारी राजभाषा है, इसलिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी इस भाषा को जो अपनी मधुरता कोमलता को कारण अब सबका मन को मोह ले रखा है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे सम्माननीय अतिथि मैडम डॉक्टर कविता पात्र जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस शोभा तथा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी जो सदा बच्चों के विकास के लिए अग्रसर रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी समस्त कक्षा प्रतिभागियों का जिन्होंने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनकी प्रतिभा के कारण ये प्रतियोगिता का आयोजन संभव हो सका। मेरा हृदय से आभार है यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का, मेरे सहकर्मी गणों का जिन्होंने श्रोता के रूप में इस कार्यक्रम का सफल रूप प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे सभी ग्रुप डी स्टाफ जो कि सदा गौण रूप से इस कार्यक्रम को तैयार के लिए तत्पर रहते हैं। अंत में मैं एक छोटी सी शायरी द्वारा आज के इस आयोजन को विराम देना चाहूंगी। इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं, इस उत्सव के प्रयोजन का वाचन करते हैं, दिल से एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, ऐसे ही बूंद बूंद बनकर खुशी का सागर बनाते रहे, इसी दुआ के साथ आज का कार्यक्रम का समापन करते। धन्यवाद। जय हिंद जय हिंद।